हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं सेकंड पार्ट। वीडियो है पैरा एसएस इंडियन आर्मी वेपन्स एंड डेंजरस मिशंस। तो पहला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब सेकंड पार्ट में तो मैं ये सुन रही हूँ कि उससे भी ज्यादा मजेदार है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए। और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो चैनल में पहले कल ही लगाए फर्स्ट पार्ट, वो जरूर देख लेना। आपको पता चलेगा कि हमारे रियल हीरोज कौन है और कैसे वो हीरोज बनते हैं, कैसे वो निखरते हैं। उनके अंदर ही दैट बने ही किसी डिफरेंट मटेरियल के हैं, या आम लोगों के मटेरियल नहीं है। एक मूवी के हीरो होते हैं एक्टिंग वाले, वो रियल हीरो, वो हीरो नहीं होते। उनको कभी हीरो मत बोलो, उनको बोलो एक्टर्स। हीरोज ये हैं, इनको, इन हीरोज को देख के वो एक्टर्स उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, एक्टिंग करके, एक्टिंग करते हैं उनकी, पर उसमें भी वो मात खा जाते हैं। उनको नहीं वैसे कर सकते क्योंकि उसमें इनकी जो लाइफ है और उनकी जो ट्रेनिंग और जो वो कर सकते हैं, वो ये लोग एक्टिंग में भी उसको देख नहीं, दिखा नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं है कि वो क्या क्या कर पाते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वी आर सपोर्टेड थ्रू एंड थ्रू बाय आर आर्मी एंड आर गवर्नमेंट। हमको सपोर्ट मिलता है उसके बिना, हम कुछ ऐसा, देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट, बट देन दीस थिंग्स हैपन बिकॉज वॉर एंड कॉम्बैट इज टोटली डिफरेंट थिंग्स। यू कैन नॉट गो बाय द बुक एवरी टाइम एवरीवेयर। टेल मी कि आपने बोला हम अगर वो मिशन कर लेते तो घुटने पे टिका देते, क्या था वो, क्या करते आप, लाइक कौन सा एरिया खाली होता, व्हाट वुड हैव बीन। कमेंट्स में पढ़ रही थी गलवान वैली से। आपको मैं समझाता हूँ, स्पेसिफिक्स मैं आपको ऑब्वियसली ज्यादा नहीं दे सकता उस जगह के। टेरिटोरियल गेन्स जब करते हैं, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर सम गेन्स इन अ सिनेरियो वेयर आपको थोड़ा सा एरिया पकड़ना है, अगर आप वो पैच ऑफ लैंड पकड़ते हैं तो आप उनकी फोर्सेस को कट कर सकते हैं। आप उसको वैसे मान के चलिए जिसको आप चिकन नेक कहते हैं, काइंड ऑफ बॉटल नेक पकड़ लिया। सो जो बॉटल नेक के आगे वाला एरिया है वो मास है, वहां पर फोर्सेस बैठी है। लेकिन अगर आपने उसको पीछे से कट ऑफ कर दिया एंड आपने वो वाला एरिया को सीज कर दिया तो आगे वाली फोर्सेस के लिए सस्टेनेंस मुश्किल हो जाएगा। Obviously, I can't give you the complete details, geographic locations, but it was kind of that. अगर हम उस एरिया को पकड़ लेंगे for few hours and by the time our main forces fetch up, the war is won. This has happened immemorial times in World War One, World War Two, any war. There, यानी our areas होते हैं जहाँ पर जिनका strategic importance इतना होता है कि आप बस उसको थोड़ी देर के लिए hold करो, you link up with the main forces and just go, खत्म। But if you put in large force initially, तो आपका surprise खत्म हो जाएगा। That is why that less number of troops, बिल्कुल कम signature, पता ही ना लगे आए, किया link up किया। Our job was to link up. The moment Indian forces linked up, it was all over for them. एक perception है, which is उन्हें किया है ये। A सबको पता है कि तभी China पीछे हुआ होगा। बहुत ज़्यादा है, right? Yeah. But एक perception है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है दैट इंडिया चाइना से डरता है एंड हम डरते हैं उनसे और उसकी वजह से डरते वाला नहीं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते जितने स्ट्रिक्ट हम मे बी पाकिस्तान के खिलाफ लेते हैं, दूसरे वो भी अभी लेने लगे हम। इज दैट ट्रू? नो, ओ अच्छा, ट्रू नहीं है। गुड, आप लोगों को बहुत सारी चीजें मालूम नहीं होगी जो चलती हैं क्योंकि नॉर्मल लाइफ में नहीं पता लगती, बट नोबडी इज अफ्रेड ऑफ चाइना kind of capability which we have right now and the force levels and jo hamari army ka standard hai, obviously air force navy I'm not from them too, but they are also competent. We are, it is not easy to, aap khud dekho ki ek Ukraine country hai usko with support from the NATO aaj 2.5 saal ho gaye us ladai ko ladte hue, 10 din ka campaign hona tha, correct? It was supposed to be 10 day war. बिल्कुल ठीक। It is 2.5 years. हम तो इंडिया हैं। We are, ये तो वो फौज है जिसने चाय और पूरी पे कारगिल जीता हुआ है। और ये, it is not easy to defeat us. I can vouch for it. The level of training, the level of, यानी जितना हमारे अंदर motivation हमारे जवान्स में है और the kind of army which we have, it is not easy कि कोई देश हमें ऐसे ही
जाके चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, वो तो है, इट्स नॉट इजी, बट वी हमारी हमारी आर्मी आए, मेरे को कोई डाउट नहीं है कि वी विल बी एबल टू फाइट, फाइट हार्ड एंड विन. फिर ऐसे बार बार क्यों होता है हर थोड़े टाइम में इन एवरी फ्यू इयर्स कुछ एक न्यूज बनती है जहाँ पे चाइना ने कुछ कर दिया, चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज आर्मी या जो भी केओस होता है हमेशा उनके फेवर में डिसीजन होता है, इंडिया के फेवर में नहीं. इट इज मीडिया मीडिया प्रोपगेटेड, इट इज मीडिया प्रोपगेटेड कि जैसे चाइना बोलता है कि सपोज तवांग हमारा चाइना का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ, हां वी जो फ्लैग वैग चेंज things active on ground, nothing has happened. जो एक जो सबसे बड़ा conversation है ना कि 20,000 किलोमीटर शायद उन्होंने ज़मीन ले ली, it's all nothing, कुछ कोई ज़मीन. ये भाई कांग्रेस ने फैलाया सारा झूठ. status post 1962 it has remained. No, there is not even an inch of ground given by Indian. सारा झूठा प्रो. I absorbed. अब there might be places जहाँ पर मैं अपनी service में नहीं था. I am not competent enough to comment about that. But I don't recall in my 20 and a half years of service that India has given even an inch of land to Chinese. Ho hi nahi sakta. Jitni meri knowledge, I'm neither a general, neither a brigadier, I'm a colonel. I was a colonel in the army. I can say about my things which I have done. I don't in think China. So ki we okay. are lacking anywhere. Koi aisa mission kiya jo by the book nahi tha kabhi aapne? Sari humne. What are the things that you have crossed? In the sense, unofficially what have you done ki phasna to, because you've retired so you can talk about it. Yeah, and kaun sa aisa tha ki jo retired aapko aur aapki unit aur aapki puri battalion ke liye aap logo ko laga ki yaar ye desh ke favor ke liye, to we should do it regardless of whether ye book ke according hai nahi hai, to theek hai. Tasks which we get as special forces, give me an example of kar. There might be like you need not cross sometimes the boundaries, the line of control or something like that. But you can do it to get a thing. Unofficially border cross kari? Yeah. You do it. It happens. It's just the requirement of the task. Okay. Meaning, give me a mission requirement. Yeah. Kya kya, kahan pe kya? Pakistan, you have crossed multiple times, right? Everybody might have crossed who's deployed on the line of control. Yeah, it is not that easy, but then generally troops happen to be on ground because now you have made a fence and everything is there. In earlier times, before 2003, there was nothing. So agar aap kahi baar inadvertently cross bhi karte, to wale mein patrol udhar chali gayi thi, wapas aa gayi. So you don't report those matters of battalion mein rehte. Theek hai, everybody has got that. So you have not done any crime in it. कि पाकिस्तान भी इतनी आसानी से अपने इधर आ जाती है, वो भी आते हैं, आप देखते हो कितनी बार बॉर्डर्स के लोग इधर आ जाते हैं, वो उधर चले जाते हैं, वो होता है कई बार, बट आजकल थोड़ा स्ट्रीमलाइन इसलिए बिकॉज फेंस बन चुका है. यू जनरली नो कि फेंस के आगे हम जा नहीं सकते या फेंस के आगे आप जा, देयर इज अ नो मैन्स लैंड बिटवीन फेंस एंड द लाइन ऑफ कंट्रोल. बट ये चीजें होती हैं, ये दीज थिंग्स लाइक आपको मैं एक बात बताऊंगा विदाउट शेयरिंग मच डिटेल्स. ओके, इफ इन आर पार्ट हमारी कंट्री में नॉर्मल सिविलियंस का ब्लड शेड होता है, सो दैट अमाउंट ऑफ वी टेक रिवेंज एनी वेयर वी हैव टू गो, वी डू दैट, दैट इज द एंड ऑफ इट. मतलब दीज थिंग्स, तू समझ गई मतलब क्या समझ गई? नो, ब्लड लॉस गोज लाइक दैट. ब्लड लॉस इज रिवेंज्ड विद ब्लड ओनली. पीपल डू इट, yani we are told we do things which are in favor of the nation, we do things good. Which aapko lagta hai ki aisa hai, ye hai, there is a very thin line between and a blurring line, yani wo jo line hai cross karne ki, par hame malum hai ki ye cheeze hoti hai, ye cheeze karni padti hai, badla leke rehte hain. Aap example deta hu aapko, agar aap fire mein kabhi pinned down hue hain na, if you are really into fire, like way back 2 decades back when I was commissioned, that time it used to be a bahut jyada militancy thi jail mein, ab itni to government
आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, अब तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, यानी लोग आ रहे हैं, डल लेक में आजकल लोग घूमते हैं और वो सब है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जितना आपके ऊपर फायर आता है, अगर आप उससे तीन गुना फायर से रिप्लाई बैक नहीं करोगे ना, देखा वही, वो आदमी चुप नहीं करेगा। देखा अभी हमने यही बात कर रहे थे, हिंसा है उसको बहुत ज्यादा हिंसा ही रोकती है। वो दे भी ट्रू है, दिस इज सिंपल कांसेप्ट ऑफ स्पेशल फोर्सेस। वो नहीं है कि एक गाल मार में मार दे दुर्बल भाई, तू मुझे एक दूसरा गाल पे मार दे, वो जमाने गए, हम तो 300 मारेंगे। देखा, यस, दैट मच अमाउंट ऑफ वेपन बंदे को फायर्ड ऑन है, वेरी गुड, अदरवाइज ही नेवर कीप क्वाइट। एग्जैक्टली, आप देख लेना, मैंने भी देखा है, 100 पे 100 रखोगे, डजंट हैपन, यू हैव टू रिटेलिएट विद फुल माइट। वो कर लियो गए भाई, पीपल हु रिटेलिएट फॉर इंडिया, वी विल रिटेलिएट, वेदर इट इज माय यूनिट और द रेजिमेंट इटसेल्फ, देखा, वी आर ट्रेंड फॉर दैट। ये होता है जज्बा, पूरी आर्मी हमारे ऊपर देखती है, तो अगर व्हाई स्पेशल फोर्सेस आर स्पेशल, दैट इज व्हाई इट हैपेंस। सो लेट्स से अगर बॉर्डर के उस साइड से या किसी टेररिस्ट ने या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ हमारे इधर इनोसेंस को मारा, किसी को किया, एंड यहाँ पे 3-4 सिविलियंस की डेथ हो गई, बदला लेंगे यू, वो 4 डेथ फिर वहाँ रिवेंज के हिसाब से वो टेररिस्ट की भी ज्यादा होगी 100%। आप मेरे को बताओ, आप न्यूज़ देखते हैं, सो मेनी टेरर अटैक्स हैपन इनसाइड द कंट्री, कभी रियासी में हुआ, अभी रिसेंटली हो गया, हैव यू एवर सीन कि मिलिटेंट्स बच गए हैं 4-5-10-15-20-25 दिन बाद, पीपल एलिमिनेट देम। सिमिलरली अगर आप इनोसेंट ब्लडशेड इधर होता रहेगा एंड यू विल नॉट रिटेलिएट अक्रॉस, बढ़ता रहेगा, तो वो मानेंगे कैसे फिर, तो आपको दे विल बी ऑन टॉप ऑफ यू। एग्जैक्टली सर, एंड दिस इज कॉम्बैट, ये ऑपरेशंस है, इट इज नॉट दैट कि वी आर टॉकिंग ऑफ टाइम्स या हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ रियलिटी की बात कर रहे हैं, दिस इज टोटल रियलिटी की जो होता है, जो होता है, आई एम नॉट, बट आपको पता नहीं चलेगा, यू आर नॉट सपोज्ड टू नो एवरीथिंग, एग्जैक्टली, एंड आई कैन अश्योर यू दैट मच, गुड, this makes me happy and proud, we are, yani ki hum log koi waisa nahi hai ki agar logon ko lagta hai ki sunna chahte hain, government ne koi bhi government hai usne action nahi liya, ye nahi hua, good, I can be rest assured we do some, jo hum kar rahe hain at least humko to malum hai humne kiya hai, aur hamare sath aur aisi 15 units hain to wo kisi jagah pe kar rahi hain, so generally between everything nation needs to know that we retaliate, good, there is no, yani aise koi anarchy nahi, ha chup baithne wali koi aisa wo nahi hai, certain things are publicized, certain things are not, modi ji kehta na ghus ke marenge, hota hai wahi, to matlab maybe media ke according ya narrative ke according public ko pata nahi chalta hai, ha they are not supposed to, par hota hai, yes, these things happen, like अगर कोई हमारे इधर घुस के आगे कोई अटैक करेगा तो हम वापस घुस के उसे, मैं बोला ना, मैंने यही बोला था, we do it in certain cases, we do it, we are given a mandate to do it, the government wants us to do it, it might not tell, give an example जहाँ आपने किया हो ये, see because I'll tell you why I'm asking this, okay, मैं I am no one to judge कि क्या right है क्या wrong है, I don't think मैं उस उतनी इन्फॉर्मेशन करता हूँ, उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या उतना मेरा जजमेंट है या उतना ज़्यादा मेरे पास राइट है, बिकॉज आई ट्रस्ट माई आर्मी एंड दिस इज आई एम टेकिंग द प्रिविलेज टू टॉक ऑन एवरी मंथ बिहाफ, आई ट्रस्ट माई आर्मी एंड वॉट माई आर्मी इज डूइंग, वी ट्रस्ट देम दैट वॉट एवर दे आर डूइंग फॉर दैट सिचुएशन दे आर राइट, क्योंकि उनके ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन में आई एम एबल टू ब्रीथ, सो मैं किसी भी पॉइंट से आई एम नॉट क्वेश्चनिंग टू जज, आई एम आस्किंग क्वेश्चनिंग कि रियलिटी में होता क्या है, व्हाट इज द थिंग जो हमें नहीं पता चलती, लाइक बिकॉज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इज नॉट ऑन मी, इट्स ऑन मे बी फॉर कंट्री, नथिंग इज रॉन्ग, द कोर्ट, जब व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर कंट्री, व्हेन आई रीड मोर एंड अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम पीपल लाइक यू, मे बी आई विल हैव माय ओपिनियन, टुडे आई शुड नॉट एंड आई हैव नो राइट टू एक्चुअली कमेंट ऑन इट, यानी कि वी हैव क्रॉस द लाइन, वी हैव क्रॉस द लाइन, क्या हुआ था जिसकी वजह से लाइन क्रॉस करी, क्या हुआ जब यू सेड यू टुक रिवेंज, देयर वर सम सिविलियन किलिंग्स, कहां पे, इन वैली ओनली, कश्मीर, या ओके, सो
क्या हुआ था? गिव मी एन एग्जांपल, पूरा मेरे स्टोरी बताओ. यानी कि देयर वर सम माइनॉरिटीज किलिंग इन द वैली, सो वी वर टोल्ड टू गो द अदर साइड एंड डू सम वर्क. सो वी रिटेलिएटेड. द स्पेसिफिक्स, द ज्योग्राफिकल लोकेशंस आई कांट टेल यू, ओके, बट देन वी बम्प्ड ऑफ फ्यू ऑफ द गाइस. हमने किया था ऑपरेशन. एंड ये मेरी यूनिट ने नहीं किया होगा, जो तो डिप्लॉयड है वो सब करती हैं, जो उसके जो उस एरिया में है. आप स्नाइपिंग एक्शंस देखते हैं, हमारे जवान को अगर गोली लगती है तो हम, अगर वो हमारे दो मारते हैं तो हम चार मारते हैं. इसमें कोई, देर इज नो, ऐसा नहीं है कि सिविलियन को की डेथ होगी और हम चुप बैठेंगे. वी विल डू द एक्शन. परपरेटर्स, वी आर अ वेरी डिसेंट नेशन. हम लोग बहुत एक अच्छा देश है, मैं इसको मानता हूँ. हमारे अंदर उतना फैनेटिज्म नहीं है, हमें चाहिए बिल्कुल मॉडरेट देश है. अगर नहीं होना चाहिए मॉडरेट, आर सिविलियंस आर किल्ड, वी डोंट बम्प ऑफ सिविलियंस ओवर देयर. वी टू द परपेटरेटर्स, जिसने अटैक किया था. ओके, बात अच्छी है, पर आजकल के जमाने में वी हैव द लोकेशंस वेयर दे आर टेररिस्ट कैंप्स इन ऑल. दैट थिंग्स हैपनिंग फॉर टाइम्स. बट टेल मी कि हमारे पास इतना इंटेल नहीं होता कि ये अटैक से पहले ही हम कभी किसी को रोक पाए. पहले ही रोक दो या तो करने ही सक्सेस होगी. इंटेलिजेंस पार्ट जो है, ये द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू जज. यानी कि अब वो इंटेल आती है, अब वो एक्शनेबल हो. अब जैसे मेरे को भी, मैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हूँ, तो मुझे दो टाइप की इंट आती है. एक इज जेनरिक एंट, साहब इस घर में मिलिटेंट आते हैं, ओके गुड, आते हैं पूरे जे एंड के में ही आ रहे हैं, तो हम तो इसलिए तो हम जे एंड के में. दूसरी एंट है एक्शनेबल इंटेलिजेंस. इस वक्त यहाँ होगा, साहब मिलिटेंट है, बैठे हुए हैं, इसने ये कपड़ा पहना है, हथियार इधर पड़े, ये है, इस वक्त तो उस घर में है. दैट इज एक्शनेबल, इसमें मुझे एक्शन करना है. सिमिलरली द इंटेलिजेंस आप जो बात कर रहे हो, लॉट ऑफ वार्निंग्स कम कि अटैक होने वाला है, ये होने वाला है, हर अटैक से पहले. सिक्योरिटी फोर्सेस लाइक वी डोंट हैव अ इंटीग्रल, यानी स्पेशल फोर्सेस, वी आर द एग्जीक्यूशनर्स ऑफ दैट विल. अच्छा, यानी हमें खबर मिलती है कि भाई इधर करना है तो हम इधर ऑपरेशंस करेंगे. इंट हम अपनी जनरेट करते हैं, बट इंटेल कोई और दे रहा है, ये सिर्फ ऑपरेशन कर रहा है. सो इंटेलिजेंस बहुत सारी एजेंसीज हैं, रॉ है, आईबी है, उसमें और स्ट्रांग करना इंटेलिजेंस है, मिलिट्री दे गिव लॉट ऑफ इनपुट्स. यानी हमारा काम है, वी आर द एग्जीक्यूशनर ऑफ दैट इंटेलिजेंस. सो कहां पर इंटेल का कट ऑफ होता है और कहां पर इंटेल मिसमैच होती है, बिकॉज बहुत सारी इंटेल है. आप किसको आप शिफ्ट करोगे, किसको आप करोगे, यू डोंट नो. लाइक इन, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. आपको लगता होगा कि हम हर रात ही ऑपरेशन कर रहे हैं तो मिलिटेंट मर रहे हैं, ऐसा नहीं होता. कम से कम हम 100 ऑपरेशन करते हैं तब एक हमको सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट मिलता है. 100 ऑपरेशंस, 99 फेलियर्स नहीं होते, बिकॉज मिलिटेंट हैज गॉट द सपोर्ट ऑफ द लोकल. जो आया था चला गया, निकल गया. आप जब तक पहुंचे, आपकी सरप्राइज लॉस होती है, गांव वाले उसको खबर दे रहे हैं, हजार चीजें चल रही हैं. यू अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट दैट इजी अ मिशन की लाइक वी सी इन द मूवीज की हेलीकॉप्टर में चढ़े उतरे नीचे सीधा टटर वापस, ऐसा नहीं होता है. इट टेक्स टाइम. यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी एट द पॉइंट ऑफ एक्शन जब वो चीजें हो रही हैं. उधर जाकर भी वो भी आपको एंगेज कर रहा है. कई बार मिस्ड कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, वी फायर फाइट होती है, वो बच जाते हैं, हमारे बंदे को लग जाती है, वी सफर कैजुअल्टीज. सो द पॉइंट इज कि इट इज अ गेम ऑफ वेट एंड वॉच एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंस. यू डोंट स्लीप फॉर नाइट्स टुगेदर. 100-100 दिन हो जाते हैं, 3-3, 2-2 महीने. दैट इज व्हाई दे सेड कि सीआई ऑप्स में हर 3 महीने बाद छुट्टी जवान को मिलनी चाहिए, बिकॉज योर mind has to be, because it takes a toll on your physical and mental well-being. Not that I'm saying ki it is hum log kamzor hain ya kuch aisa hai, but it takes toll. Aap har raat so rahe ho. Ab mere jaisa banda jo coffee nahi peeta hai, wo raat ko coffee piyega, 3-4 cup piyunga taki meri mental faculties are awake. 11 baje hame raat ko intel aayi, is ghar mein militant hai. Subah 5 baje hame usko execute plan banega.
तीन चार टाइप की फोर्सेस लगेंगी, कॉर्डन का करेंगे, घर कहाँ है, कैसे जाना है, इंसर्शन कैसे होगा, वेदर वी गो ऑन फुट और वी जस्ट बार्ज इन टू द व्हीकल, सीधा ही पहुंच गए वहां पर, मेनी थिंग्स को, वो चार पांच घंटे उसमें लगे, तैयारी की, सुबह 5 बजे ऑपरेशन, यू लॉन्च द ऑपरेशन, यू गो एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि उस घर से वो 3 बजे निकल गए, 4 बजे निकल गए. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, वो भी अपनी जान के लिए. लुक एट हिज, आप उसकी फ्लाइट देखो जिसकी, इफ ही हैज इन्फिल्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, उसके लिए तो हर रात ही उसको कितने फौजी मारने को तैयार घूम रहे हैं. एंड इंटेल इज लाइक इट कम्स. सिमिलरली हम लोग भी, वी आर ऑल्सो एट द गेम. सो इट्स अ कैट एंड माउस सिचुएशन. यानी पता कैसे चलता है कि ये मिलिटेंट है और इसको एलिमिनेट करना, वेपन जिसके पास वेपन है वो मिलिटेंट है. यस, इट हैज टू बी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन. कितने ऑपरेशन है जो हम नहीं करते हैं, जिसमें हम फायर करते नहीं बिकॉज हमको वेपन दिखाई नहीं देता. हमको सोर्स बताता है कि ये मिलिटेंट है. इफ ही इज विदाउट अ वेपन वी डोंट फायर. पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. दैट इज द फर्स्ट टू बी. इज इट अ टाइप ऑफ वेपन? जनरली AK-47 पिस्टल. यस यस, पिस्टल होगी तो भी यू नो. यस, ही हैज टू बी आर्म्ड. ही हैज टू बी आर्म्ड. यू कैन नॉट, अगर मिलिटेंट हथियार खोल के बाहर एज ए सिविलियन की तरह घूम रहा है तो उसको हाउ विल यू हिट हिम इफ यू डोंट हैव. सो यू नीड टू नो, यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव, जिसको पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, कि वो पता तो लगे कि हथियार दिखाई देता है. मैं आपको एक ऑपरेशन बताता हूँ, मैंने लोगों ने किया था. सो वी वर सिटिंग ऑन अ रिज, वी वर टू पार्टीज, एंड जो मेरे आगे वाले स्काउट थे दे वर ऑब्जर्विंग विद स्पॉटर स्कोप एंड बायनोकुलर द मूवमेंट ऑफ गाइस. तो हमको खबर थी कि इस रास्ते से माउंटेन्स थे. सो माउंटेन्स की सबसे अच्छी बात है कि उसमें क्लीन किल्स होते हैं. ओके, यानी यू डोंट हैव मच प्रॉब्लम इन आइडेंटिफिकेशन. मिलिटेंट है तो उसका हथियार वथियार दिख गया, तो दैट इज द बेस्ट ऑपरेशन आई वुड से टू हैपन. जहाँ पे आप हाइट पे बैठे हो, हाइट पे बैठे हो या फिर आप माउंटेन्स में हो, जंगल्स में हो, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ, क्योंकि सिविलियंस ज्यादा है नहीं. प्रॉब्लम आती है, विच आई फाइंड डिफिकल्ट इज अ बिल्ट अप ऑपरेशन. बिल्ट अप एरिया लाइक बिल्कुल जो रेजिडेंसेस और घर चिपक चिपक के गांव में बने, 500,000 लोग हैं. हाँ, वो उसमें बहुत, यू डोंट नो कि किस ग्रेनेड, किस घर की, आप नीचे मिलिटेंट देख रहे हो, ऊपर से किसी ने ग्रेनेड ही लॉब कर दिया. यू तो देयर आर मेनी डायनामिक्स विच आर इन्वॉल्व्ड. सो माउंटेन्स में हम लोग बैठे थे, तो अभी आई वॉज एट इन द सेंटर एंड देयर टू गाइज अहेड 100 meters एंड टू गाइज वी वर ऑब्जर्विंग अ ट्रैक एंड अ ब्रिज स्ट्रीम क्रॉस कर रहे. क्या एक बंदा आया जो हमको खबर थी वहां पर आने की, तो नाउ दैट गाय इज वेयरिंग, वो बकरवाल था और उसने शॉल वगैरह पहना हुआ था. बकरवाल क्या बकर चला, बिकॉज ही हैड टेकन द शॉल इन सच अ वे कि हमें वेपन पता नहीं लग रहा था, बट उसका जो मूवमेंट था, रुक कर चलना, देखना, फिर घूम के आसपास, मे बी ही वाज अ स्काउट और अर्ली वार्निंग था, वो मिलिटेंट्स पीछे आने थे, तो वी वर नॉट कमिंग टू नो. तो माय स्काउट जो आगे था उसने मेरे को बोला कि साहब इसको देखते हैं कि इसको कैसे, ये मेरे को सस्पिशियस लग रहा. मैंने कहा देखो ऑब्जर्व करते रहो. नाउ मिलिटेंट जो है वो, इट डजंट हैपन कि वो ऐसे हथियार ऐसे हाथ में, वो तो छुपा के ही निकलेगा ना ताकि शक ना. घास पे बैठेगा और फिर सन में यानी धूप सेकेगा, वो 4-5 सेकंड के लिए ही नजर आता है. सो यू हैव टू एंगेज इन दैट ओनली. तुम्हारे पास वही विंडो है. तुम 10 दिन या 1 साल या 6 महीने से ऑपरेशन कर रहे हो, दैट इज व्हाई प्रोफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड. तो मैं बोलो कि साहब हथियार नहीं, तो उसने क्या किया, उसने दिस गए हम लोग, उसने जो शॉल अपना ऐसे करके लिया था उसमें उसकी अम्ब्रेला उसने अंदर रखी हुई थी. अम्ब्रेला के अंदर अम्ब्रेला का जो आगे वाला हिस्सा होता है, विच इज अ आयरन आयरन पॉइंटेड पार्ट था, पॉइंटेड था, वो हमें एक एक की बैरल की तरह लग रहा था, बिकॉज हम लोग 150 मीटर्स पे थे. मैं तो उसको देख ही नहीं पा रहा था. मेरा स्काउट कहता है कि साहब इसके पास हथियार है. तो मैंने बोला फिर करो इंगेज इसको. बोला मैं एक बार और कंफर्म, बिकॉज आप बाइनोकुलर से देख भी रहे हो, स्पॉटर स्कोप्स लगे भी हैं, वो एंगल क्योंकि उसने हल्का सा वो बाहर निकल रहा है, तो हमें वो लगा कि अब यार इसको कैसे, यानी हाउ डू यू एंगेज दिस गाय. चालू कितना था वो तो उसको सोच, तो अब हमको पता नहीं लग रहा है. वो बोल रहा है कि साहब मेरे को और, मैं और, अगर उसने वो कलवर्ट बदल ली, अगर वो उस बेंड पे मुड़ गया तो ही गोज डीप इन टू द फॉरेस्ट, ही इज गॉन. हम उसको पीछे से पकड़ नहीं सकते क्योंकि हम नदी के इस तरफ हैं, बीच में नदी बह रही है, छोटा सा स्ट्रीम है, उसने ब्रिज पार किया, हम इस हिलॉक पे हैं, सामने पहाड़ है, वो ऐसे कट करके जाएगा तो फिर वो निकल गया. एंड अब क्या करें, क्या करें. नाउ दिस इज अ रियल सिनेरियो आई एम टेलिंग यू, ये बिल्कुल रियल. उधर जब टर्न वाली जगह पे भी किसी को बैठाओ ना,
मैंने उसको पूछा कि तू एंगेज करेगा, बोला कि कंफर्म नहीं हो रहा है. मैंने कहा रुक जा फिर. इन द मीन टाइम भगवान की दया से दिस इज कॉल्ड किस्मत, क्योंकि किस्मत तो बहुत जरूरी है ही. उसने अपना शॉल को ऐसे किया तो देन वी कुड सी कि इट वाज अम्ब्रेला. अगर उस पे वो बोलता कि ये तो साहब मुझे एक एक का बैरल लग रहा है, मैं इसको ठोक रहा हूँ, अगर हम उसको एंगेज कर देते एंड सिविलियन वुड हैव डाइड, इट इज ऑल मतलब वो नहीं था. यानी कि हमारे लिए तो फिर बोला कि ह्यूमन राइट्स मुझे लग रहा था वही है. आप मेरे को बताओ वर्ल्ड का कोई भी ऑपरेटिव होगा, मैं उसको वाउच कर सकता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अगर वो बता दे कि ये एके है कि वो है, कोई नहीं बता सकता आपको. दैट इज योर पर्सनल टेक. एंड इफ अ सिविलियन इज शॉट, पीपल विल हैंग यू. बट ये लोग नॉर्मल सोचते ही नहीं है कि ऐसा सिनेरियोज भी आते हैं. दीज आर ऑल सिनेरियोज व्हिच हैपन. सच्ची में खतरनाक है, खतरनाक है. आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं सब सुनकर. और उसमें की पॉइंट वही था कि हम बदला हमेशा लेते हैं. वो सुन के तो मुझे इतनी खुशी और इतना प्राउड फील हुआ. यही मैं चाइना जो पीछे हुआ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्यार मोहब्बत है, क्योंकि हर जो भी उसने काम किया उसका जवाब थ्री टाइम्स हमारा था. और ये सुन के भी बदला लेते हैं वो, और उतना ही नहीं बदला लेते, उससे थ्री टाइम्स बदला लेते. और ये ही होना चाहिए. इसलिए जो पुंछ में होता है ये होता है, उसका आपको कोई खबर नहीं आती, क्योंकि इंडिया जो है जाके फिर बदला ले रहता है थ्री टाइम्स. देखो यही मेरी सोच है जो मैं कह रही थी कि बदला जो अगर कोई तुम पे अटैक कर रहा है, इंडिया पे अटैक कर रहा है, उसको ऐसा सबक सिखाओ. ऐसा ये नहीं कि उसने एक किया तो भैया एक गाल पे मार दी. एक तो पहले हमारा ये मेंटालिटी थी ना, एक गाल पे मार दी उसको, भाई तू इधर, उसके अंदर से आत्मा जागेगी, उसको हो सका वो सॉरी बोलेगा, अच्छा बन जाएगा. आजकल का जमाना वो नहीं है. दूसरा ये था कि कोई डरते वरते नहीं है चाइना वगैरह से, मगर हम काफी स्ट्रांग है. ठीक है, वो लोग भी स्ट्रांग होंगे, बट हम इतने स्ट्रांग है कि आसान काम नहीं. और वो चाइना को पता है इसलिए वो चुप बैठा हुआ है. वो इसीलिए चुप बैठा हुआ है कि इंडिया काफी स्ट्रांग है. थोड़ा थोड़ा कोशिश करता है, स्ट्रेंथ इंडिया में है कि वो अपने आप को और फिर मुंह की खाता है और फिर जाता है. इसलिए उनको ये है, उनको डर अंदर से है इंडिया का, बिकॉज ऑफ द केपेबिलिटी ऑफ दी. और दूसरा होता है कि चाइना ने अभी तक कोई वॉर नहीं लड़ी है और इंडिया ने बहुत सारी वॉर्स लड़ी है, तो इंडिया के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है. तो ये रीजन है, यस उनके पास बहुत मैन पावर आ रही है, बहुत इक्विपमेंट आ रहे हैं, मगर उनको फिर भी डर है कि जब एक्चुअल फाइट होगी तो वो नहीं लड़ पाएंगे. इंडिया जिसको एक्सपीरियंस है वो लड़के इतना स्ट्रांग है कि जीत भी जाएगा, तो इसलिए वो पीछे बैठे हुए हैं. भैया हमें इस टाइप कोई टाइटरी नहीं गई, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं गया. जो इतना फालतू का ये जो ऑपरेशन होते हैं उसका बदला ले लेते हैं हम लोग. दैट इज द की, दैट इज अमेजिंग. हमें नहीं पता चलता, पर जो हमारे जहाँ पे बताते ना कि यहाँ अटैक हो गया या इनोसेंट लोगों को कर दिया, उसका बदला उसी टाइम उससे डबल लिया जाता है, ट्रिपल लिया जाता है. वो हमारे पास तक न्यूज नहीं जाती कि पर वो हुआ भाई. कई चीजें आती हैं, कई चीजें नहीं आती, बट रेस्ट अश्योर्ड कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो कमाल की हैं. वो हमारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं. उनके इतना मतलब उन कमाल है यार. आप लोग अगर अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और आपके अंदर वो है, ज्वाइन इट मैन, ज्वाइन इट. तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.